प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए बेताब हैं, कई पैदल ही अपने घर पहुंच रहे हैं। आज भी ऐसा देखा गया तो कईयों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन अब उल्टा होने लगा है। बिहार से एक ट्रेन तेलंगाना के लिए चली ताकि मजदूरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सके, तो वहीं मुंबई में भी कई मजदूरों को अस्पताल बनाने के काम में लगाया गया है। कोरोना से जंग में एक हथियार तो सामाजिक दूरी और खुद को घरों में बंद रखना है, तो दूसरा हथियार अच्छे अच्छे अस्पतालों का इंतजाम है। मुंबई में यही काम प्रवासी मजदूर कर रहे हैं, जो घर नहीं जा पाए लेकिन दूसरे कोरोना के पीड़ित सही सलामत अपने घर जा सकें, इसके लिए अस्पताल बना रहे हैं। दो दिन या चार दिन या पाँच दिन इधर काम मिलेगा, वही पैसा से घर पे भी भेजूंगा तो वो खाएगा और थोड़ा अपने भी खा लेंगे, फिर गुजारा कैसा होगा बताइए, इधर भी काम क्लास हो गया। फिर बीएमसी ने मुंबई में खाली जगहों पर कोरोना के लिए अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं। इस महालक्ष्मी रेसकोर्स के पार्किंग एरिया को अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में बदला जा रहा है। महालक्ष्मी रेसकोर्स पार्किंग स्पेस के अलावा नेहरू साइंस सेंटर और डोम स्टेडियम में पूरा काम चल रहा है। ये सारी तैयारियां इसलिए चल रही हैं कि बीएमसी को अंदेशा है कि कोरोना मरीजों की संख्या यहां 80,000 के पार तक पहुंच सकती है, और जाहिर है खुदा न खास्ते मरीजों की संख्या उस स्तर तक पहुंच गई तो पहले से ही उसके लिए अस्पताल का इंतजाम रखा जाना चाहिए। और ये काम वो मजदूर कर रहे हैं जो मुंबई में फंसे रह गए। गांव में भी वही हाल है, गांव में किधर से लाके खाएंगे? 21 दिन ले जाके सर उधर रख दे रहा है, गांव में भी नहीं भी बीमारी तो उधर हो जाना है, बीमारी जरूरी एनी टाइम होना है सर। रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, रोज में वही जो महीने का मिलता है तो अपने बाल बच्चे को भी देते हैं, इसमें भी खाते हैं, तो हम लोग को दो महीना या तीन महीना या एक महीना का जुगाड़ किधर से होगा? देखिए जो होना चाहिए था एक्चुअली वर्कर के लिए वो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कहां पर कितने बेड के अस्पताल बन रहे हैं। महालक्ष्मी पार्किंग स्पेस में 325 बेड का अस्पताल बन रहा है। अभी जो ढांचा आप देख रहे हैं इनको सिर्फ दो दिन में ही बनाया गया है, जबकि पूरा क्वारंटाइन सेंटर सिर्फ 6 दिन में बनाने की तैयारी है। दूसरा अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर वर्ली के डोम स्टेडियम में बन रहा है, जहां 600 से ज्यादा बेड होंगे। खास बात यह है कि यहां आईसीयू भी है, जिससे ज्यादा गंभीर मरीजों को यहां भेजा जा सकता है। तीसरी जगह नेहरू साइंस सेंटर है, जिसको सिर्फ 3 दिन में बनाया गया। यहां 100 बेड का इंतजाम है। किस तरीके की तैयारी है, कब तक ये पूरा हो जाएगा और कितने बेड्स बनेंगे? यहाँ पे 100 बेड बनेंगे और हमारा लगभग 5 दिन में कंप्लीट होगा। और यहाँ पे किनको लाया जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट आइसोलेशन सेंटर। क्या हुआ करता था यहाँ पर इसके पहले? यहाँ पे एक एग्जीबिशन हॉल था, ये यहाँ पे सिर्फ विंटेज गाड़ियां लगी हुई थी। प्रवासी मजदूर इस बात से खुश हैं कि जब कोरोना काल में कामकाज ठप है उस वक्त उन्हें पैसा और खाना तो मिल रहा है। दूसरी तरफ जो मजदूर अपने घर पहुंचे थे वो वापस भी काम पर लौटने लगे हैं। गुरुवार सुबह खगड़िया स्टेशन से पहली ट्रेन खुली, जो तेलंगाना के लिंगमपल्ली तक जाएगी। इसमें 22 मजदूर रवाना हुए। बहुत सारे जगह, बहुत सारे सेक्टर में इंडस्ट्रीज खुल गए हैं, बहुत सारे सेक्टर में वर्क शुरू हो गए हैं, वर्क डिपार्टमेंट बहुत जगह काम करना शुरू कर दिया है, तो लोग फिर इंगेज हो गए हैं, फिर काम करने लगे हैं। अब वो लोग, बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हैं, जो आए हैं जब उनको वहां से बुलाया जा रहा है, आपने जो बताया कि अभी खगड़िया के अंदर जो आपस गए हैं, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे देश से मजदूरों का बिहार आना लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच बिहार के ही खगड़िया से जब मजदूर तेलंगाना जाते हैं तो ये खबर सबको चौंका देती है। हालांकि बिहार सरकार का भी कहना है कि कई राज्यों ने मजदूरों को अपने यहां रोके रखने की गुजारिश भी की है। साफ है कि राज्यों को अब बिहार के मजदूरों की अहमियत का पता धीरे धीरे चल रहा है। मजदूर काम पर लौटने लगे हैं तो कई जगह पैदल ही अपने गांव के लिए अब भी निकल रहे हैं, लेकिन मजदूरों की अहमियत अब पता चल रही है, इसलिए कर्नाटक सरकार मजदूरों को रोक रही है। देश भर में करीब 13 करोड़ 90 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। प्रवासी मजदूरों में 40% बेंगलुरु में, 15% गुरुग्राम में, 14% हैदराबाद में, 12% दिल्ली में, 6% मुंबई में, 4% नोएडा में, 4% चेन्नई में और 5% शेष भारत में काम करते हैं।
अब जब कोरोना के बरक्स नजर कमाई पर आ टिकी है तो तमाम कंपनियों और फैक्ट्रियों को मजदूरों की याद सताने लगी है। मुंबई में सौरभ वक्तानिया और खगड़िया में स्वतंत्र सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक।